स्पेशल बुधवार सर्व पितृ कार्य अमावस्या। मूंग के दाने, वो भी स्प्राउट किए हुए या साधारण भी मूंग आप दे सकते हैं। 5 जीवों को ये आप खिलाएं और चमत्कार देखें। आपका व्यापार इतनी वृद्धि को प्राप्त होगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, और उससे अर्निंग भी होगी। दिन दूनी रात चौगनी अर्निंग होगी। तो यही जानकारी आपको देने वाली हूँ, व्यापार को उन्नत कैसे करें जिससे बहुत अर्निंग हो, हर सदस्य की कमाई हो घर में, और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इन 5 जीवों को ये खिलाएं। सादा मूंग भी खिला सकते हैं, मतलब बिना भिगोए हुए भी खिला सकते हैं, स्प्राउट करके भी खिला सकते हैं। कैसे भी खिलाएं, आप मूंग खिलाएं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपकी डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आशा करती हूं सुखी होंगे, संपन्न होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। भगवान हमेशा आपको खुशहाली दे, पनपाए आपको, ज़बरदस्त लाभ हर चीज़ में आपको होवे। ये आशीर्वाद और दुआ मेरे तरफ से आपके लिए है। मेरे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सदा खुशहाल रहें। सभी यूट्यूबर्स का कल्याण हो और उनका चैनल मोनेटाइज हो, ये आशीर्वाद मेरे तरफ से आपके लिए है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे इसी तरह की बेहतरीन जानकारी आपको मिल सके। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कौन से ऐसे 5 जीव हैं जिनको आप मूंग खिलाते हैं तो आपका पैसा, व्यापार, रोजगार सब वृद्धि को प्राप्त होगा। इतना कमाई आपकी होने लग जाएगी जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। मूंग आपको पता ही है बुध ग्रह का होता है, और बुध ग्रह व्यापार का भी होता है। तो बुध ग्रह की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसके लिए बुधवार का व्रत आप अवश्य करिए। हरे गणेश जी की पूजा करिए, किसी भी रूप में गणेश जी की पूजा करिए, विष्णु भगवान की पूजा करिए, माँ दुर्गा की पूजा करिए। इनका आशीर्वाद अगर आपको प्राप्त हो गया तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे और आपके घर में सुख शांति के अलावा अच्छा स्वास्थ्य पनपेगा और आपको तरह तरह से धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। मूंग आपको किनको खिलाना है अब मैं बताती हूँ। देखो, गाय माता को तो आप कुछ भी खिला दो, आपको पुण्य मिलना ही मिलना है, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो गाय की सेवा में तो पुण्य लाभ सभी को मिलता है। तो गाय को खिलाएं, एक तो गाय को खिलाएं, और दूसरा जो है हरा तोता अगर आपको मिल जाए कहीं पे, उसको आप खिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि हरा तोता जो होता है बुध ग्रह का ही प्रतीक होता है, और सफ़ेद गाय होती है शुक्र ग्रह के प्रतीक होती है। सफ़ेद गाय को एक चीज़ खिलाने से, मूंग खिलाने से आपका शुक्र ग्रह उन्नत होगा, और हरे तोते को ये चीज़ खिलाने से आपका बुध ग्रह उन्नत होगा। आप घोड़े को भी एक चीज़ खिला सकते हैं। घोड़े को मूंग की दाल में, चने की दाल में मिक्स कर लें और घोड़े को खिलाएं, तो आपका बृहस्पति आपको पावर देगा और आपका बृहस्पति अच्छा होगा। सफ़ेद कबूतर को भी ये आप खिला सकते हैं। मूंग सफ़ेद कबूतर को ये चीज़ खिलाने से आपका शुक्र और चंद्रमा पुष्ट होते हैं, उन्नत होते हैं। इन शुभ ग्रहों को अच्छा करने से आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं। बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये बेसिकली शुभ ग्रहों में इनकी गिनती होती है। काली बकरी को अगर आप ये चीज़ खिलाते हैं तो आपका शनि शुभ हो जाता है। बकरी वैसे बुध ग्रह की मानी गई है, लेकिन काली बकरी में शनि ग्रह का निवास होता है, शनि से शासित होती है, तो शनि भी आपको आशीर्वाद देंगे और शनि ग्रह के द्वारा भी आपको अर्निंग्स होने लगेगी, क्योंकि सरकारी जो सेवा होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, उसमें शनि वन ऑफ द एक कारक है।
तो उसको अच्छा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो मैंने 5 नाम लिए थे, लेकिन अनगिनत जो जानवर होते हैं, ये जो जीव जंतु होते हैं, उनको आप खिला सकते हैं, यानी चींटी को भी आप खिलाते हैं तो आपका रोज़गार जो होता है सक्षम होता है, आपको रोज़गार की प्राप्ति होती है। तो इन जीव जंतुओं को आप खिलाएं ये मूंग और चमत्कार देखें, आपकी ज़िंदगी में इतना पैसा आएगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। ये कंटिन्यू करना है, एक बार में फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सोचें एक बार खिला दिया तो काम निपटा, ऐसा नहीं है मित्रों। 5 बुधवार तो कम से कम आपको खिलाना ही है। इन सब जीव जंतुओं को आप खिलाएं तो आपको चमत्कार प्राप्त होगा और आप देखेंगे कि आपको सभी ग्रहों की कृपा मिलने लगी है। सूर्य देव की कृपा पाने के लिए आप सांड को इसमें मूंग में गुड़ डाल के खिलाएं तो आपको सूर्य देव की कृपा भी प्राप्त होगी, क्योंकि सूर्य देव भी राज्य पक्ष के कारक हैं, सत्ता के कारक हैं, सरकारी नौकरी के भी कारक हैं और दशम भाव के भी कारक हैं। तो सूर्य देव को मनाए बिना, सूर्य देव की कृपा प्राप्त किए बिना हर उपाय निष्फल होता है। सूर्य देव सृष्टि की आत्मा है, तो सूर्य देव की कृपा पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वैसे तो नवग्रह अपना रोल अदा करते हैं। आप लाल गाय को ये चीज़ खिलाते हैं, मूंग खिलाते हैं, तो मंगल देव भी आप पे प्रसन्न होते हैं। तो सब ग्रह प्रसन्न होने चाहिए, सब ग्रहों की कृपा आप पर बरसनी चाहिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैंने 5 जीव जंतु को खिलाने के लिए बताया था, लेकिन मैंने नाम इससे अधिक ही बता दिए हैं आपको, क्योंकि सब ग्रहों की कृपा आप पर बरसे, सब ग्रहों की कृपा बरसेगी तो आपके जन्मपत्री में सब ग्रह अच्छे होंगे और सब ग्रहों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं नवरात्र स्थापना से परामर्श शुल्क समेत चालू कर रही हूँ। इसमें मैं 1000 रुपये में आपको 2 सवालों के जवाब परामर्श के तौर पे प्रेषित करूँगी। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी हीलिंग करते हैं, उनसे आप हीलिंग भी करवा सकते हैं। लामा फेरा करते हैं, एंजल हीलिंग करते हैं और रेकी हीलिंग भी वो करते हैं। ये हीलिंग डिस्टेंस से होती है और ये बहुत पावरफुल होती है, डिस्टेंस में उनकी मास्टरी है। बहुत अच्छे गुरु से उन्होंने दीक्षा ली है, तो परामर्श उनसे भी लीजिए। इसकी फ़ीस 5100 रुपये है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगी। कोई पर्सन नेगेटिव है तो भी ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। हीलिंग से सब कुछ संभव है। और मैं ज्योतिषीय परामर्श देती हूँ, जन्मपत्री देखती हूँ, वास्तु दोष दूर करती हूँ और पामिस्ट्री भी करती हूँ। मुझे ज्योतिष के क्षेत्र में 23-24 साल का अच्छा खासा अनुभव है। एक छोटी सी सलाह आपके संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर सकती है। तो मित्रों, परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क करिए। आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। भगवान सदा आपको खुश रखें।